हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही उपयोगी आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत के बहुत से घरों में प्याज इस तरीके यूज़ होता होगा और बच जाते हैं ये छिलके। इन छिलकों को हम अपने गार्डन में कैसे यूज़ करें कि हमारे पौधे हरे भरे और घने बने रहें, उनमें कलियाँ अधिक मात्रा में आएँ, फूल फल और सब्जियाँ आएँ, पत्तों का विकास हो और जड़ों का भी। जब जड़ों का विकास होगा तभी हमारे पत्ते और फूल पौधे में लगेंगे और फल। तो देखते हैं, इस तरीके से दो तरीके के छिलके होते हैं। ये ऊपर की परत है जो दोस्तों एकदम हल्की होती है और एकदम ड्राई फॉर्म में होती है, और दूसरी परत इस टाइप की होती है। ये देखिए, थोड़ी सी मोटी नीचे का कवर होता है और थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर वाला होता है। तो हम दोनों ही तरीके की परतों का यूज़ करेंगे और अब दिखाएंगे आपको कि हम किस तरीके से इनका यूज़ करते। तो पहले तो इन जो सूखे पत्ते हैं इनको हम किस तरीके यूज़ करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम अपने जो प्लांट्स हैं उनमें इस तरीके से मल्चिंग करके हम इसका यूज़ करेंगे। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस खाद है दोस्तों आपके पौधों के लिए। दूसरा इसका फ़ायदा ये भी है कि जब गर्मियाँ बहुत होती हैं तो हमें पानी कई बार देना पड़ता है अपने प्लांट्स में, तो ये हमारे प्लांट्स में नमी बनाने का काम करेंगी। और जब ये डीकम्पोस्ट होकर धीरे धीरे हमारे पौधों में इसकी खाद जाएगी तो इसमें प्याज में बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, फॉलस, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भी होते हैं। इसमें इसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भी युक्त ये छिलके होते हैं दोस्तों। और इसमें बहुत सारे दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी भरे होते हैं, तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरे तरीके में दोस्तों, इस तरीके का हम एयर टाइट कंटेनर लेंगे, और इस कंटेनर को एयर टाइट इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारे प्याज के छिलकों का जब हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं और इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो बहुत से इंसेक्ट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए हमें एयर टाइट ही कंटेनर इस प्रोसेस के लिए लेना है। तो हम इन मोटे छिलकों का यूज़ करें जो अंदरूनी परत हैं दोस्तों। अब यहाँ हम 2 मुट्ठी करीब 1 लीटर पानी डाल देंगे। ये 1 लीटर का कंटेनर है हमारा। और दोस्तों, जब हम पानी इसमें डाल करके रखेंगे तो हमें इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप नहीं आती हो, एकदम छाया हो। और हमें अब इसे 48 आवर्स के लिए यानी कि 48 घंटे के लिए रखना है, इसी तरीके एयर टाइट करके बंद करके ढक्कन को अच्छे से। और 48 आवर्स बाद हम इसे किस तरीके यूज़ करते हैं ये हम आपको बताएंगे आगे। तो अब हम बढ़ेंगे तो दूसरे प्रोसेस की तरफ दोस्तों। प्याज के छिलकों का बहुत अच्छे यूजेस हैं। अगर आप अपने गार्डनिंग में करते हैं इनको उपयोग तो आप देखेंगे किसी भी तरीके का कोई भी कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट आपके पौधों में कभी नहीं लगेगा और आपके पौधे हमेशा हरे भरे इसी तरीके बने रहेंगे। तो आप कभी भी अपने इन प्याज के छिलकों को मत फेंकिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ एक गमला ले रही हूँ और अब हम इन छिलकों को डायरेक्ट फॉर्म में कैसे यूज़ करें अपने पौधों को लगाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके का मैंने कंटेनर लिया है और ये मेरे निचली परत वाले मोटे छिलके हैं। तो अब मैं इसे हल्का सा एक कॉटन के कपड़े से कवर कर लूँगी क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही छेद है। तो ये पानी जब हम देंगे तो मिट्टी इससे बाहर नहीं निकलेगी। और यहाँ हम थोड़े से छिलके इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसमें ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। इस तरीके की हम 2 लेयर बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने ये अपनी किचन वेस्ट कंपोस्ट ली है, ये भी बहुत अच्छी होती है इसे डीकम्पोस्ट करने के लिए। तो मैं इस तरीके की 2 परतें लगा लूँगी दोस्तों। ये देखिए, इसी तरीके थोड़े से और छिलके मैं ले ले रही हूँ और इस तरीके से मैं इसमें मिट्टी डाल दूंगी। अब दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोसेस, इसमें धीरे धीरे ये छिलके कंपोस्ट होते जाएंगे, डीकंपोस्ट होंगे और हमारा पौधे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे। तो जब भी आप नए पौधे लगा रहे हैं या आप
पौधों को रीपॉट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस का यूज़ करके आप इन किचन वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम ये चार चीज़ें ले रहे हैं जिसमें केले के छिलके हैं। केले के छिलके में पोटेशियम, विटामिन और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इनको हम अच्छे से सुखा करके और इनका पाउडर फॉर्म बना लेंगे। यहाँ प्याज लिया है, प्याज के छिलके, और ये हमारी यूज्ड चाय की पत्ती जिसे हमने अच्छे से धुल करके सुखा लिया है। इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस आदि पाए जाते हैं। अंडे के छिलकों में दोस्तों नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इन सभी को मैंने सुखा करके मिक्सचर इस तरीके का प्रिपेयर कर लिया है और अब हम इसे किस तरीके यूज़ कर रहे हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। आप इस मिक्सचर को किसी भी अपने पौधे में दे सकते हैं, वो चाहे फल फूल या सब्जी का पौधा क्यों ना हो। अब 2 चम्मच यहाँ मैंने यहाँ यूज़ किया, हल्की सी गुड़ाई करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको देने के बाद ज़रूर आप पानी ज़रूर दें अपने गमले को। हम दोस्तों किसी भी प्लांट में कोई भी खाद देते हैं तो उसमें हमें ज़रूर उसके बाद पानी दे देना चाहिए जिससे कि इसके न्यूट्रिशन मिट्टी में पहुंच जाए, और हमें इतना ही पानी देना चाहिए कि नीचे से गमले से पानी ना निकले क्योंकि इसके न्यूट्रिशन इसी गमले में बने रहे। दोस्तों ये भी सुंदर सा पौधा फेंगशुई में कामयाबी के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इसका कटिंग और केयर का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। अब दोस्तों ये प्याज की ऊपरी परत है जो ड्राई होती है, लेकिन मैंने इसे एक दिन के लिए धूप दिखा दी है। अगर ये पूरी तरीके से ड्राई होगी तभी आपका बारीक पाउडर बनेगा, तो दोस्तों आप इसे एक दिन की धूप ज़रूर दिखा दें। अब इस तरीके से मैं सारे छिलकों को इस जार में डाल करके इसका बारीक पाउडर बना लूँगी दोस्तों, और इस पाउडर को आप साल भर तक यूज़ कर सकेंगे। जब कभी आपको इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर नज़र आए तो आप इसे कुछ घंटों की धूप दिखा देंगे तो फिर से ड्राई हो जाएगा, और इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर ही में स्टोर करके रखें तो ये आपके लिए साल भर यूज़ हो सकेगा। तो अब ये पाउडर हमारा तैयार हो गया है, और मैं इसे किस तरीके अपने पौधे में यूज़ करती हूँ जिससे कि ये मेरे पौधों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसके लिए मैं यहाँ पर अपना ये दोना का पौधा ले रही हूँ, यहाँ पे मैं इसकी गुड़ाई कर ले रही हूँ। देखिए मैंने इसमें ये मेरी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, इसमें मैंने अभी पानी नहीं दिया है, और तभी मेरी मिट्टी भी देखिए एकदम पोरस है। और 2 चम्मच मैं यहाँ इस पाउडर को डालूँगी और इसे अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर लूँगी। दोस्तों आप भी इसी तरीके जब आपकी मिट्टी सूखी हो तब इस ड्राई मिक्सचर को इसमें मिक्स करके और इसमें पानी दे दें दोस्तों। अब आप देखेंगे आपका भी पौधा इसी तरीके हरा भरा कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेगा। इस प्रोसेस को आप हर 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ दोस्तों, जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है। आप देखिए आज हो गए हैं 2 दिन यानी कि 48 घंटे, और ये मेरा मिक्सचर बनके तैयार है। ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा तैयार हुआ है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है दोस्तों। और अब मैं इसे छान करके किस तरीके यूज़ करती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी दोस्तों। इसे हम फॉलेज स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पौधों में फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ करेंगे। यहाँ मैं इसको छान लेती हूँ क्योंकि अगर आप इसे स्प्रेयर में इसी तरह डाल देंगे तो आपका स्प्रेयर ख़राब हो जाएगा। यहाँ जिन लोगों के पास स्प्रेयर नहीं है वो किस तरह यूज़ करें वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस में हम मैं फिर से 1 लीटर पानी डाल के रख दूंगी। इसे 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं, और अब मैं इसको इस प्याज के छिलकों को इसके बाद क्या करेंगे, आप दो बार तो आप यूज़ कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको 200 ml तक इस बॉटल में फिल कर लूँगी, और इसमें मैं और पानी ये ऐड कर देती हूँ दोस्तों। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपके पौधों को। और अगर आप इसे फॉलेज स्प्रे की तरह यूज़ करेंगे तो किसी तरीके का इंसेक्ट अटैक भी आपके प्लांट्स पर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने ये अपराजिता के पौधे लगा रखे हैं, तो आप इसे छोटे पौध में भी दे सकते हैं। ये देखिए मेरा गुलदाउदी का पौधा है जो कटिंग के थ्रू तैयार हुआ है। इसे आप किसी भी फल सब्जी या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फूलों के पौधों में भी आसानी से दे सकते हैं।
ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों, आपके भी इसी तरीके से हरी भरी बगिया बनी रहेगी। दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइज़र के प्याज को हमें इस कंपोस्ट बिन में डाल देना है 2 बार के यूज़ के बाद, जिससे बहुत ही अच्छी किचन कंपोस्ट बनके तैयार होगी जो आपके पौधों को फुल न्यूट्रिशन देगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस कंपोस्ट बिन का वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ दोस्तों, तो उसे देखने के लिए आप चैनल पे ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।